कल के रोज बरोज पीर 22 मार्च को हम लोगों ने ये पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच, और आज बरोज मंगल 23 मार्च आज भी हम लोग इसी चीज़ का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए थे। इसी चीज़ को मैं आज रिपीट करता हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं उनको तो समझना नहायत ही ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं बच्चों, उसी तरह ये भी एक चीज़ है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच 4 हैं। मैं यहाँ पर चारों लिखा हूँ और उसको उर्दू में उर्दू कवायद के मुताबिक क्या कहते हैं वो भी लिखा हूँ। मैं बहुत ही शॉर्ट में और आसान तरीके से उसको समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। देयर आर 4 नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन सिमिली, मेटाफोर, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं देखो, सिमिली उर्दू कवायद में कहते हैं हम तशबीह देना, यानी के जैसा बताना, के मानी के मुताबिक के जैसा। मेटाफोर इश्तियारा, नाम देना किसी चीज को उसके जैसा, एकदम नाम दे देना कि ये तू है, के जैसा नहीं बोलना, बस तू ऐसा, तू है ये। थर्ड वन कजा, एंटीथेसिस यानी के अपोजिट, उलट, जिद, एकदम आसान। एलिट्रेशन यानी रिपीट होना, रिपीटेशन। तजनी से हरूफ उर्दू कवायद में हम कहते हैं एक जैसे अल्फाज का बार बार इस्तेमाल होना, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। यानी नज्म में या कोई जुमले में एक लफ्ज जो बार बार रिपीट होता है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई। अब इसी चीज को बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन सिमिली, अब यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है एज ब्राइट एज ए स्टार, यानी के स्टार के मानी रोशन और चमकदार बताया जा रहा है, के जैसा। देखो के जैसा आया ना, तो ये सिमिली का सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है टॉल जस्ट लाइक ए ट्री, यानी के दरख्त के जैसा लंबा बताया जा रहा है, के जैसा। देखो ये लफ्ज आ रहा है तो आसान से ये समझो जिस सेंटेंस में जिस लाइन में एज या तो लाइक का वर्ड यूज